हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको पता है सब कुछ आता है, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट में ही आता है। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता है दोस्तों ह्यूमन बीइंग्स जो है डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पर जीने के लिए। भाई एनवायरनमेंट से ही जो है चीजें हम इकट्ठा करते हैं और उसको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। जैसे हमने एनवायरनमेंट यानी पेड़ से ले ली लकड़ी यानी वुड ले ली। अब वुड का हम इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं, चेयर बना ली उसकी, है ना, बेड बना लिया उसका। तो दोस्तों हम एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो दोस्तों हम एनवायरनमेंट में ही फूड ग्रो करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम डेवलप करते हैं बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग्स हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरतें, होम्स की जरूरतें, फूड की जरूरतें, कम्युनिकेशन की जरूरतों के लिए हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं सेटलमेंट क्या होता है। दोस्तों सेटलमेंट मतलब होता है जब लोग जो है एक जगह पर अपने घर बनाकर रहने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं सेटलमेंट्स। So settlements are places where people build their homes. समझे कि नहीं समझे भाई। पहले लोग, पहले जमाने में 100-200 साल पहले ज्यादातर लोग क्या होते थे, घूमते रहते थे। 200 साल भी कम बोल दिया उससे, मतलब आज से 20-30 साल पहले भी ले लीजिए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते रहते थे, उन्हें बंजारा कहा जाता था। आजकल तो बहुत ज्यादा इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो दोस्तों बाद में धीरे धीरे लोग जो है घर बनाकर रहने लग गए, तो इसी को सेटलमेंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये ह्यूमन सेटलमेंट, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है। लोगों ने घर बना लिए, अब यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे आस पड़ोस भी बन पड़ोसी भी बन गए, यहीं पे खेती वेती करने लगते हैं और सब कुछ, यहाँ पे पानी भी है, तो इसी को कहते हैं सेटलमेंट। तो दोस्तों जो पहले के इंसान थे वो पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं में रहते थे, मैंने बताया, समझे कि नहीं समझे। और जब भी क्रॉप्स एंड व्हेन क्रॉप्स वर ग्रोन बाय देम द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज इजिली अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। तो दोस्तों जैसे जैसे इंसान जो है क्रॉप को उगाना सीख गए, तो धीरे धीरे वो लोग इंसान जो है रिवर के पास, वैली के पास जो बसना भी शुरू हो गए। क्यों रिवर के पास ही बसना शुरू क्यों हो गए, क्योंकि आपको पता है नदियों के पास जो जमीन होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसीलिए याद रखिए सबसे पहले इंसान जो है प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट इंसानों का रिवर के पास ही हुआ था। तो दोस्तों सेटलमेंट जो है दो तरीके की हो सकती है, एक तो परमानेंट सेटलमेंट और एक टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट भाई आप हमेशा के लिए वहां बस गए, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए आपने छत या टेंट वेंट गाड़ा, कुछ समय के लिए रुके और फिर उसके बाद ये टेंट उखाड़ा और दूसरी जगह चले गए, समझे कि नहीं समझे। तो सेटलमेंट दोस्तों जो कि छोटे टाइम के लिए ऑक्युपाई करा जाता है उसको टेम्पररी सेटलमेंट कहा जाता है ना, छोटे समय के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, उसके बाद आप चले जाएंगे। तो दोस्तों ये टेम्पररी जो सेटलमेंट है ये कहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा, दोस्तों जो इलाके धरती पर बहुत ज्यादा गर्म है जैसे कि, और जो इलाके बहुत ज्यादा ठंडे हैं जैसे कि डेजर्ट है, माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टेम्पररी सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और यहीं के लोग जो, याद रखिए जो टेम्पररी सेटलमेंट करते हैं वो लोग जो है हंटिंग करते हैं यानी जानवरों को शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग मतलब फूड इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते हैं ना, झूम खेती हिंदी में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। झूम खेती में आपको पता है ना पहले यहाँ पे खेती करी, यहाँ का पीरियड फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चल दिए जाते हैं खेती करने। उसके अलावा ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो शब्द लिखा है ट्रांसह्यूमेंस, इसका मतलब होता है इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। याद रखिए सीजन के हिसाब से जो है लोग मूवमेंट करते रहते हैं। पहाड़ों का एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मान लीजिए ये हमारा हिमालय है। अब शुरुआत में लोग जो है गर्मियों के मौसम में यहाँ रहते थे क्योंकि यहाँ बर्फ ज्यादा जमी नहीं थी। अब सर्दी आ जाती है तो सर्दी आ जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगती है, तो जो यहाँ पे लोग रहते थे वो अपने उतर के यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे घाटी में थोड़ा सा कम ठंडी हो और मौसम जो है ठीक ठाक हो, तो इसी को कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस, समझे कि नहीं समझे। इट इज अ सीजनल मूवमेंट यानी सीजन के हिसाब से मूवमेंट करते रहते हैं। पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन, ना जो लोग भेड़ वगैरह चराते हैं ना वो लोग भी जो है ये ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब समझ लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में दोस्तों पीपल जो है बिल्ड होम्स टू लिव इन। तो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट में लोग जो है अपना पक्का घर बना लेते हैं ईंटों वगैरह का, क्योंकि उन्हें वहां पर परमानेंटली रहना है, ठीक है।
द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड साइट। साइट समझ में आया क्या होता है? साइट मतलब होता है एक ऐसी जगह पर, जगह जहां पर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप हो जाता है, उसी को साइट कहा जाता है। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए साइट वहीं पे बनाई जाएगी जहां पर कुछ नेचुरल कंडीशन हो, जैसे कि भाई क्लाइमेट अच्छा हो, ज्यादा ना गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी हो, वहां पे साइट जो है अच्छी बनेगी। इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी हो, सूटेबल लैंड हो, भाई लैंड खेती करने के लिए जरूरी है ना, तो अच्छी खेती होनी चाहिए, लैंड अच्छा हो। इसके अलावा फर्टाइल सॉइल हो, तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो वहां पर साइट डेवलप हो जाती है। अब दोस्तों अगर हम सेटलमेंट को ही बांटना चाहें, एक तो हमने बता दिया टेम्पररी सेटलमेंट और एक परमानेंट सेटलमेंट, इसके अलावा और सेटलमेंट को बांटना चाहें तो हम रूरल सेटलमेंट बोल सकते हैं और अर्बन, यानी हिंदी में आपको पता है ग्रामीण और शहरी, समझे कि नहीं समझे, इनको हिंदी में कहते हैं शहरी सेटलमेंट और ग्रामीण सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट जो है, रूरल सेटलमेंट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट, एक स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब घने घने जो घर हैं, चिपके चिपके घर बने हैं, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारे घर बने हैं, और स्कैटर्ड मतलब बड़ी जगह है लेकिन घर जो है यूं बिखरे बिखरे हैं, तो इनको कहते हैं स्कैटर्ड, समझे कि नहीं समझे। A compact settlement is closely built, है ना, closely built area of settlement near flat land. तो याद रखिए compact settlement उसे कहते हैं जब जो घर हैं बहुत ही चिपके बने होते हैं, यानी कम एरिया में आप मान लीजिए ज्यादा घर बने हैं। वहीं scattered settlement मैंने बता दिया है जहाँ पे जो घर हैं वो बड़े से स्पेस में बने हैं और बहुत बड़ा एरिया है, और इतना बड़ा एरिया इसमें दो ही चार घर है, समझे नहीं समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, देखिए घर चिपके चिपके बने हैं, और यहाँ पे है स्कैटर्ड सेटलमेंट, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, कितनी जगह बीच में खाली है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज यूजली फाउंड इन हिली ट्रैक्स एंड थिक फॉरेस्ट। तो याद रखिए जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है ये ज्यादातर आपको कहाँ पर मिलेगी, हिली ट्रैक्स में मिलेगी और थिक फॉरेस्ट में मिलेगी। ये देखिए पहाड़ों वाला इलाका और यहीं पे स्कैटर्ड सेटलमेंट ज्यादातर मिलेगी। पीपल इन रूरल एरियाज प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और आपको पता है हमने बताया ना सेटलमेंट दो तरीके से बांट सकते हैं, रूरल और अर्बन। अगर रूरल की बात करी जाए तो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर भाई एग्रीकल्चर करते हैं, आपको पता है खेती बाड़ी करते हैं और उसी से अपना अनाज वनाज उगाते हैं, उसको बेचते हैं। और अगर बात करी जाए अर्बन सेटलमेंट के एरिया में, यहाँ पे लोग जो है ज्यादातर सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में आपको पता है बैंकिंग आ जाता है, बहुत सारी आ जाती है, तो बहुत सारी सर्विसेस आ जाती हैं, जोमेटो वोमेटो ये सारा का सारा जो है सर्विस सेक्टर में ही आता है। तो जो ज्यादातर जो लोग हैं अर्बन में रहते हैं सेटलमेंट में वो ज्यादा सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं। थिक मड हाउसेस विद थैच्ड रूफ्स आर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट। और दोस्तों याद रखिए जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो वहां के घर कैसे बने होंगे, वहां पे थिक मड वाले हाउस बने होंगे। अगर आप गांव में रहे हैं तो आपने देखा होगा कि गांव की जो छतें होती थी पहले बहुत मोटी मोटी होती थी, मिट्टी की बनी होती, बहुत मोटी मोटी, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के इसलिए बनाते थे क्योंकि भाई गर्मी पड़ती है तो गर्मी से ये बचाएंगे, मोटी मिट्टी गर्मी के समय बचाएगी, ठीक है। लोकल मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं घर बनाने के लिए, आपको पता है ना सैंड का इस्तेमाल होता है, स्टोन का इस्तेमाल होता है, मड का इस्तेमाल होता है, क्ले का इस्तेमाल होता है, ये सारे का सारा इस्तेमाल होता है घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये अजीब सा घर दिख रहा होगा आपको, दोस्तों ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये घर कहाँ बनाया जाएगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती होगी। तो याद रखिए अंटार्कटिक वगैरह इलाकों में, आर्कटिक वगैरह इलाकों में ऐसे घर बनाए जाते हैं और इनको इग्लू कहा जाता है मेरे, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, इग्लू, समझे कि नहीं समझे। अब समझ लेते हैं, हमने सेटलमेंट समझ लिया दोस्तों, अब समझते हैं दूसरा एनवायरमेंट का, ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट, वो है ट्रांसपोर्ट। याद रखिए ट्रांसपोर्ट भी ह्यूमन एनवायरमेंट का ही पार्ट है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, समझे कि नहीं समझे। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा जरिया है, मींस है, जिसके जरिए लोग और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या ट्रेवल करते हैं। दोस्तों जैसे ही इंसानों ने व्हील की रचना करी, यानी इन्वेंशन करा, है ना, खोज करी, व्हील की खोज क्या बोलते दोस्तों, रचना करी एक तरीके से, तो ट्रांसपोर्ट जो है धीरे धीरे आसान बन गया। आपको पता है ना सबसे पहले इंसानों ने पहिया बनाया, फिर उसके ऊपर बैलगाड़ी बना दी, फिर धीरे धीरे इसी पहिए का इस्तेमाल करके कार बना दी, फिर पहिए का इस्तेमाल करके एरोप्लेन बना दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दोस्तों इनोवेशन आ गया जैसे ही इंसान ने पहिए का इन्वेंशन करा। आपको पता है पहले जो है इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डंकी का इस्तेमाल करते थे, मूल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, बुलॉक्स का इस्तेमाल करते थे, कैमल,
और ठीक है समझे कि नहीं समझे। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो पुराने समय में व्यापारी होते थे, आपको पता है ना पुराने समय में भी इंडिया से बहुत सारे व्यापारी जो है दूसरे देशों से व्यापार करते थे, तो भाई जो पहले समय के व्यापारी थे वो लैंड रूट का इस्तेमाल करते थे एक देश से दूसरी देश में जाने के लिए, है ना। सपोज मान लीजिए अफ्रीका में व्यापार करना है तो लैंड रूट का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सी रूट का भी इस्तेमाल करते थे, यानी समुद्र की यात्रा के जरिए लैंड वो जो ट्रेवल करते थे, लैंड रूट तो करते ही करते थे, इसके अलावा सी रूट भी कवर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे पता है आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है कितना आसान हो गया है। अब आपको पता है इंडिया से अगर आपको अफ्रीका जाना है 6 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, इसके अलावा इंडिया से यूरोप जाना है तो भी लगभग बहुत ही कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने एरोप्लेन डेवलप कर लिया, इतनी खतरनाक खतरनाक बुलेट ट्रेन टाइप की डेवलप कर ली है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट को बांटना चाहें, ट्रांसपोर्ट को भी हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आपको रोडवेज, है ना, रोड आपने देखे उसे कहते हैं पहला वाला। दूसरा है रेलवे, रेलवे भी आपको पता है। तीसरा है वाटरवेज, वाटरवेज मतलब नदियों में जो चीजें चलती है, नदियों में क्या कहते हैं महासागरों में इनमें। और चौथा है एयरवेज, हवाई अड्डा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पिक्चर लगा रखी है, पहले चलते थे। अब सबसे पहले समझते हैं रोडवेज को। दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज ही है, याद रखिए, ठीक है दोस्तों। स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। तो दोस्तों ज्यादातर मैंने बता दिया जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोड का इस्तेमाल करते हैं लोग, और ज्यादातर दोस्तों जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर भी ज्यादातर लोग जो है रोडवेज से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड। और रोड जो है दोस्तों दो तरीके के हो सकते हैं, मेटल्ड मतलब पक्के रोड, अनमेटल्ड मतलब कच्चे रोड। समझे कि नहीं समझे? ये देखिए ये है मेटल्ड रोड, ये देखिए पूरा का पूरा तारकोल से बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा मेटल रोड है। और यहीं पे दोस्तों गांव का एक रोड है जो कि कच्चा रोड है, ईंटों से बना रखा है, तो इनको मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। दोस्तों याद रखिए हमारे देश में एक हाईवे है मनाली लेह, ये आपको जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं शिमला वगैरह में मिल जाएगा। मनाली लेह वैसे तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में ही है ज्यादातर, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हाईवे है ये दुनिया का एक बहुत ही ऊंचा हाईवे है, है ना, बहुत ही ऊंचे लोकेशन पे बना है, क्योंकि आपको पता है हिमालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हिमालय खुद ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहां पे ये मनाली लेह हाईवे बनाया गया है। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ। और दोस्तों आपने इन्हीं रोडों के ऊपर, ये तो यहाँ पे तो खाली वाला रोड है, लेकिन आप अगर दिल्ली जैसे इलाकों में रहते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा कि डबल रोड चलते हैं, तो भाई इन रोड को क्रॉस करने के लिए इनके नीचे से सबवे बना रखा होता है, इनके ऊपर से सबवे बना रखा होता है या अंडरपाथ बना रखा होता है रोड को क्रॉस करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, फ्लाईओवर्स भी आपने शहरों में बहुत सारे देखे होंगे। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। कभी कभार रोड क्रॉस करने के लिए भी ऐसे फ्लाईओवर बना लेते हैं, और कभी कभार दोस्तों ये फ्लाईओवर जो होते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए भी बना देते हैं। सपोज मान लीजिए ये ऐसे रोड जा रहा है, तो ऐसे रोड जा रहा है तो इसी के ऊपर से एक ये क्या बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, ताकि जो है जो यहाँ की जो गाड़ियां हैं ऐसे इसके ऊपर से चले जाएं और बीच में रुकना ना पड़े, वरना यहाँ पे अगर रेड लाइट लगाएंगे तो कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, मेरे ख्याल से ये भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया। आपको पता है भारत में कुछ नेशनल हाईवे होते हैं और कुछ स्टेट हाईवे होते हैं। नेशनल हाईवे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट हाईवे जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हाल ही में दोस्तों लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया इज इन द कंस्ट्रक्शन, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो दोस्तों भारत में एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वेज के जरिए दोस्तों भारत में जो मेजर मेजर शहर हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही जा रही है। तो इन्हीं में दोस्तों एक एक्सप्रेस वे है जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एक्सप्रेस वे है वो कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है, तो याद रखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, चलिए मैं आपके लिए बना देता हूं, तो दोस्तों ये है भारत का नक्शा। तो यहाँ पे अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो आपको पता है दिल्ली यहाँ पर कहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है चेन्नई है, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कोलकाता है, और यहाँ पे आपको पता है मुंबई है। तो ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे। समझे कि नहीं समझे? तो ये 4 शहरों को कनेक्ट करता है। अगला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वह है रेलवे। रेलवे का इस्तेमाल दोस्तों आपको पता है
जो हैवी गुड्स होते हैं, भारी सामान होते हैं, उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं क्विकली और इकोनॉमिकली, वो भी रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर तक जाना है, जो लोग जो है आपको पता है ना दिल्ली वगैरह में रहते हैं, दिल्ली से चेन्नई जाते हैं, वो हमेशा रेलवे से जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे एक तो इकोनॉमिकली चीप है, मतलब इतना किराया नहीं है, मेरे ख्याल से 1000 रुपए तक की टिकट होगी शायद, ठीक है। 1000 रुपए तक की टिकट में आप सोचिए ना 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो इकोनॉमिकली भी चीप होता है, इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए जल्दी भी हमको पहुंचा देता है, ठीक है। दोस्तों इन्वेंशन जब हुआ था स्टीम इंजन का, आपको पता है भाप इंजन का इन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था ना दोस्तों, औद्योगिक क्रांति चल रही थी तब, तभी दोस्तों स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ था, और इसी की वजह से दोस्तों क्या हुआ, रेल ट्रांसपोर्ट बन गया था। आपको पता है शुरुआत में जो है रेलवेज में स्टीम इंजन बनते थे, है ना, ऊपर जो है इतना बड़ा बड़ा धुआं निकलता था। आजकल तो धुआं नहीं निकलता क्योंकि आजकल की जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन पहले की जो रेलवे थी वो किससे चलती थी, आपको पता है किससे चलती थी दोस्तों, कोयले वगैरह से, ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड स्टीम इंजन। तो दोस्तों याद रखिए, पहले तो स्टीम इंजन बने थे, लेकिन बाद में स्टीम इंजन को किसने रिप्लेस कर दिया, डीजल ने, इलेक्ट्रिक इंजन ने रिप्लेस कर दिया। आजकल जो है ज्यादातर दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं रेलवेज में। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि सुपर फास्ट ट्रेन आ गई हैं आज के टाइम पे, जैसे आपको पता ना बुलेट ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ है दोस्तों, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड है जो कि बहुत ही ट्रेवल को फास्टर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों भारत में आपको पता है इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन एशिया। तो दोस्तों एशिया जो महाद्वीप है उसमें भारत का जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने लगा रखी है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, द ट्रेन फ्रॉम जिंगजिंग टू लासा रन्स एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 अबव सी लेवल एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 5720 मीटर। तो दोस्तों चाइना में एक जगह है जिंगजिंग और लासा, ये दो जगह है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है, और याद रखिए ये जो ट्रेन है 4000 मीटर अबव सी के ऊपर से चलती है ना, सी अगर सी का ये लें, ये है सी, तो इससे लगभग 4000 मीटर की दूरी पर ये ट्रेन चलती है ऊंचाई पे, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो ट्रेन है वो ऊंचाई पे चल रही है, ये आपके लिए मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, याद रखिए। एक और दोस्तों ट्रेन से ही एक और क्या कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, साइबेरिया एक जगह है रशिया में, ये देख सकते हैं ये रशिया देश है, ठीक है, इसी के नीचे चाइना है, और साइबेरिया से में ही दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है, और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कि कनेक्ट करती है रशिया के दो इंपॉर्टेंट शहर सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया, ये देखिए यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, और यहाँ पे दोस्तों व्लादिवोस्तक है, क्या है, व्लादिवोस्तक यहाँ पर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करती है ये रेलवे लाइन, और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, याद रखिए बहुत ही ज्यादा, समझे कि नहीं समझे। अब समझ लेते हैं वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों वाटरवेज वाला आपको पता है ये चीपेस्ट है कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो दोस्तों लंबी दूरी तय करने के लिए अगर आपको सस्ते में जाना है और मतलब ज्यादा सामान जगह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वाटरवेज जो है सबसे इजी पड़ता है और चीपेस्ट भी पड़ता है, ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। अगर हम वाटरवेज को बांटना चाहें दोस्तों तो दो तरीके से बांट सकते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और एक सी रूट्स। इनलैंड मतलब होता है नदी वाला, है ना, देशों के अंदर जो नदी वगैरह बहती है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, इनके ऊपर अगर आप कोई नाव चलाते हो तो इनको कहेंगे इनलैंड वाटरवेज। और सी रूट्स, सी का मतलब कि मतलब ही क्या होता है, समुद्र। तो दोस्तों याद रखिए जो बड़े बड़े समुद्र में नाव वगैरह चलती हैं, जहाज चलते हैं, उनको कहा जाता है सी रूट्स, समझे कि नहीं समझे। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, मैंने बता दिया इनलैंड वाटरवेज में क्या आ जाता है, रिवर आ जाता है, लेक आ जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र, ये भी मैंने बता दिया भारत के कुछ इनलैंड वाटरवेज जो कि इंपॉर्टेंट है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अगर नॉर्थ अमेरिका में जाए तो यहाँ पे ग्रेट लेक पाया जाता है, ग्रेट लेक में भी दोस्तों ये वाटरवेज के सिस्टम पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में चले जाएंगे वहां पे नाइल रिवर मिलेगी, हिंदी में कहते हैं नील नदी, तो यहाँ पर भी दोस्तों इस नदी के ऊपर भी नाव बहुत सारी चलती हैं। लेकिन जो सी रूट्स होते हैं आपको पता है
कनेक्टेड होते हैं पोर्ट्स के थ्रू और ये सी रूट जो है सी रूट के जरिए आप एक देश से दूसरी देश में भी जा सकते हैं। अगर आपको भारत से अगर श्रीलंका जाना है यहाँ पर तो ये सुई रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, भारत से अगर आपको यहाँ अफ्रीका में जाना है तो भी आप सी रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगला समझ लेते हैं दोस्तों एयरवेज। एयरवेज दोस्तों आज के टाइम पे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आपको पता है ना ये सबसे तेज है। अगर आपको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एयरवेज का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों आपको पता है जो एयरवेज है डेवलप्ड हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. तो दोस्तों जहां पर जो इलाके बहुत ज्यादा रिमोट होते हैं, रिमोट मतलब वहां पे ना तो रोड बिछे हैं ना ही रेलवे बिछी हैं और बहुत ज्यादा दूर भी हैं, और ठीक है दोस्तों ऐसी जगहों पे जाने के लिए आप इस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है एयरवेज। हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट आइटम्स टू रिमोट एरियाज। तो दोस्तों बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर है उनका इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं किसको पहुंचाने के लिए दोस्तों, बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं आपको पता है हमारी जो आर्मी वगैरह है वो भी बहुत ही रिमोट एरियाज में काम करती है, जंगलों में कभी कार काम करती है आर्मी वगैरह, तो उन तक खाने का सामान पहुंचाने के लिए और भी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए इस एयरवेज का ही इस्तेमाल होता है। एयरवेज में आपको पता है ना क्या आ जाता है, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सारा क्या आता है एयरवेज में ही आता है। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। लेकिन याद रखिए ये आसान तो है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में तो पहुंचा देगा, लेकिन भाई जो एयरवेज है इसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा महंगा है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इसका जो फ्यूल का कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। भारत में कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में मिल जाएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स, मुंबई में भी फेमस एयरपोर्ट है शिवाजी एयरपोर्ट, इसके अलावा न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो, ये सारे जगहें हैं देश की पूरी दुनिया भर के शहर हैं जहां पर आपको एयरवेज के लिए इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। अगला समझ लेते हैं दोस्तों इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए कम्युनिकेशन भी डेवलप करे। कम्युनिकेशन ठीक है दोस्तों, पहले बात समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए इंसान कन्वे करते हैं अपना मैसेज दूसरों लोगों को। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको सपोज मान लीजिए आपको बात करनी है, आप यहाँ रह रहे हो लेकिन आपको अपनी बात करनी है मामा से, अब भाई मामा से कैसे बात करोगे, फोन उठाया नंबर डाला और नंबर डायल करा और अपने मामा से मिला लिया तो भाई बात हो गई कि नहीं हो गई। तो याद रखिए कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हम लोग एक अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो कम्युनिकेशन आप अलग अलग तरीके से आजकल कर सकते हो। आजकल तो दोस्तों इंटरनेट आ गया है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जीमेल है, पता नहीं कौन कौन सी मेल है, ठीक है बतेरी चीजें हैं जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो। टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, फैक्स है, इतनी सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इंसानों ने डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, इसके अलावा लोगों को इंटरटेन करने के लिए भी इन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। ये देखिए दोस्तों ये टीवी है, टीवी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए होता है, इसके अलावा इसी का इस्तेमाल लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी होता है। समझे कि नहीं समझे? ये सिनेमा हॉल बन गया है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मूवी चल रही है, इससे भी दोस्तों लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, इसके अलावा लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? और एजुकेशन भी प्रोवाइड आज तो दोस्तों आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, सारी की सारी जो क्लासेस है ऑनलाइन चल रही है, तो भाई इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करा जा रहा है, व्हाट्सएप का खूब इस्तेमाल करा जा रहा है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों और क्या आता है कम्युनिकेशन के मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस में? दोस्तों कम्युनिकेशन के मींस में और भी चीज आती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो हो गया, टेलीविजन, भाई इनके जरिए भी तो हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए। वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दोस्तों याद रखिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन का तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत बड़ी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना हो। सपोज मान लो हमें कोरोना का जो है मैसेज सब लोगों तक फैलाना है कि भाई कोरोना के टाइम पर आपको हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, तो भाई क्या आप हर किसी को फोन करोगे? नहीं, हर किसी को फोन नहीं कर सकते, तब आप इस्तेमाल करोगे टेलीविजन का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का। समझे कि नहीं समझे? दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। याद रखिए दोस्तों, इसीलिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन को क्या कहा जाता है? मास मीडिया। समझे कि नहीं समझे? मास मीडिया मतलब इनका इस्तेमाल जो है बड़ी जनसंख्या के लिए करा जाता है, बड़ी जनसंख्या को मैसेज पहुंचाने के लिए करा जाता है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोन्स आर मेन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे जो आपको पता है मेन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गए हैं आज के टाइम पे।
विद द यूज ऑफ सैटेलाइट्स वी कैन एक्सप्लोर द अर्थ एंड कम्युनिकेट एज ग्लोबल कम्युनिटी। और आपको पता है जब से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाने लगे हैं तब से इंटरनेट जो है फैल रहा है पूरी दुनिया में, और इंटरनेट फैल रहा है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इंसान बैठा हो हम किसी से भी अपने घर पर बैठकर बात कर सकते हैं, है ना, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऐसे ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इतने तरीके बन गए हैं कि आज हम दोस्तों अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा है और हम भारत में बैठे हैं तो उससे भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करे हैं इंसानों ने। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।